ठंड से बचने के लिए अपने नाक कान और मुंह को रखें बंद, तभी आप अपने स्वास्थ्य को ठंड से बचा सकते हैं और ठंड में भी स्वस्थ रह सकते हैं। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आप ठंड में भी कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ठंड से बचने के लिए क्या करना होगा, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी हैं और आपको बताएंगे कि आप कैसे ठंड में भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए हम डॉक्टर साहब की पूरी बात को सुने और जानकारी लें कि ठंड में भी हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ठंड के बारे में बताऊं आपको, तो सबसे पहले तो ठंड क्यों लगती है आपको, उससे कैसे बचा जाए। ठंड लगने का मेन, अभी सर्दियां हो रही हैं और अभी इस बार तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अभी सबसे पहले हम लोग को जो एयर एंट्री पॉइंट है उससे हमें बचाना होता है, जैसे कान से हमारी एयर एंट्री हो सकती है नोज के थ्रू और माउथ के थ्रू। तो जब भी हम बाहर निकलें, चाहे बाइक पे चाहे पैदल वॉक करें, तो ये तीनों पोर्शंस को हम कवर करके रखें अच्छे से, ताकि हमारी एयर एंट्री पॉइंट वहीं रुक जाए। और जब भी हम बाहर से घर आए, नॉर्मली हम गर्मियों के टाइम में क्या करते हैं, बाहर से आते हैं तो हम पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं। इस टाइम आप जब भी बाहर आए, बाहर से घर आए, उस टाइम आप गार्गल कीजिए गर्म पानी से, गर्म पानी पीजिए और स्टीम इन्हेलेशन लीजिए। ये विदाउट आपको सर्दी लगे या नहीं लगे, ये करना रूटीनली। इससे क्या होता है कि जब आपकी एयर एंट्री से ठंडी हवा बाहर अंदर आती है मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू, तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी देर के लिए अचानक से कम हो जाती है। और जब हम गर्म पानी का सेवन करेंगे या स्टीम लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी रिस्टोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो बैक्टीरिया या कुछ वायरस होता है जो बॉडी फ्रेंडली होता है, वो तो हमेशा रहता ही है, इम्यूनिटी कम से वो डिप्रेस हो जाता है और हमें सर्दी खांसी जुकाम या कॉमन कोल्ड हो सकती है। ये तो नॉर्मल होता है। और सर्दियों के टाइम में खास करके बच्चे और बुजुर्गों की बचाव करनी चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है वैसे भी, बुजुर्गों की खास करके। तो वैसे लोगों को ये खास ध्यान रखना सर्दियों के टाइम में कि सर्दी नहीं लगे। और जो मरीज जैसे बुजुर्ग हो गए, उनको पहले से सर्दी खांसी हो रही हो, COPD एक बीमारी होती है जो फेफड़े की बीमारी होती है, जो स्मोकर्स होते हैं या गांजा या कोई स्मोकिंग का करते हैं पहले से, या महिलाएं जो चूल्हा पे काम करती रही हों, उनकी भी सांस की तकलीफ पहले से होती है। तो वैसे महिलाएं या वैसे पुरुष या वैसे कोई भी जिनको ये दिक्कत होती है, वो खास इसका ख्याल रखेंगे, नहीं तो ये न्यूमोनिया होने का चांस होता है और बीमारी भयंकर हो जाती है और सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। तो ठंडे में किस किस तरह की बीमारी होती है? हाँ, ठंडे में सबसे कॉमन होती है कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर होता है, और बच्चों में न्यूमोनिया होने का, जो कम नियोनेट्स हैं, नियोनेट्स जो बिल्कुल नवजात हैं, इन्फेंट्स जो एक साल के होते हैं, उनके अंदर न्यूमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बुजुर्ग उनके अंदर भी न्यूमोनिया के चांसेस होते हैं। तो न्यूमोनिया बहुत कॉमन बीमारी होती है, कॉमन कोल्ड बहुत कॉमन बीमारी होती है। और सर्दियों में एक और मैं नई जानकारी दूं आपको, जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, इनकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है